अधिकारियों का इस्तीफा। यहां पर कोरोना काल में त्याग पत्र देने से हड़कंप मचा हुआ है, सभी चिकित्सा प्रभारियों का इस्तीफा। ये और कोरोना काल में देखिए त्याग पत्र दिया और उसके बाद हड़कंप की स्थिति। डिप्टी कलेक्टर पर लगाया है धमकाने का आरोप, दबाव में काम करवाने का भी आरोप लगाया गया है। एसीएमओ की मौत पर भी सवाल उठा गया, यहां पर मृतक को बर्खास्तगी की धमकी देने का आरोप लगा है। प्रशासन और चिकित्सा विभाग में नहीं है सामंजस्य। रोहित हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। रोहित, प्रशासन और चिकित्सा विभाग दोनों के बीच में ये सामंजस्य की स्थिति नहीं है फिलहाल और इसी वजह से वहां पर इस्तीफे का दौर। देखिए, ये डॉक्टरों में जो है आक्रोश पहले ही था स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारियों में, लेकिन ये डिप्टी सीएमओ की जिस तरीके से मौत हुई और मौत के बाद उनका शव भी बदल गया, और पहले एक महिला का शव उनके परिजनों को दे दिया दाह संस्कार के बाद, तब पता चला मर्चरी से कि डॉक्टर रंग बहादुर का तो अभी मर्चरी में ही शव पड़ा हुआ है। तो इन सब घटनाओं के कारण इनका आक्रोश बढ़ गया। और इसके अलावा इस मौत से पहले ही डॉक्टर को जिनकी मौत हुई है उनको यहाँ के डिप्टी कलेक्टर द्वारा धमकी भी दी गई थी सस्पेंड करने की ड्यूटी को लेके। तो इस तरीके से आक्रोश था, जिसके कारण आज आक्रोश था एक चिकित्सक साथी की मौत के बाद, वो आक्रोश जो है बाहर निकल आया। और बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारियों के लिए आपका। हरदोई की खबर, जहां पर लेखपाल का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ, यहां पर 5,000 मांगने पर लेखपाल निलंबित। शाहबाद के चंदूपुर खैराई का लेखपाल बताया गया है, प्रमाण पत्र के नाम